वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई मेट्रो से रिलेटेड। मुंबई मेट्रो में अभी वैकेंसी निकल के आ रही है, इसमें आपकी यहां पे वैकेंसी आपको फ्रेशर्स के लिए भी देखने के लिए मिलेगी और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी देखने के मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अपने चैनल पर मोस्टली फ्रेशर्स लोग हैं, तो मैं यहाँ पे बात करूंगा फ्रेशर की वैकेंसी की। तो यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर की 2019 की वैकेंसी निकल के आई, इसमें आईटीआई वाले भी इलिजिबल है, डिप्लोमा कैंडिडेट्स और बीई बीटेक वाले भी इलिजिबल है। टोटल यहाँ पे वैकेंसी की बात करूँ तो 1053 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। सैलरी आपकी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 41,800 रुपीज आपको देखने के लिए मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मराठी नोट रिक्वायर्ड। मतलब जो यहाँ पे आपको पता है मुंबई में जॉब करनी है तो आपको जैसे महाराष्ट्र में आपको मराठी लैंग्वेज कंपलसरी होती है, अगर आपके पास अभी तक मराठी लैंग्वेज नहीं है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए रूल है, अगर आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं तो ज्वाइन करने के 2 साल बाद के अंदर तक आपको वहाँ पे मराठी लैंग्वेज का जो है एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ये बात आती है, इसके लिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ, उसकी कटिंग के हिसाब से ये बात प्रूव होती है आप ज्वाइनिंग के 2 साल बाद भी मराठी लैंग्वेज का एग्जाम देके कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको वो नोटिस दिखाता हूँ। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो ये नोटिस। इस नोटिस में साफ तौर पे बताया गया है 30 दिसंबर 1987 का नोटिस है। इसमें यही कहा गया था कि अगर आप वहाँ पे महाराष्ट्र में ज्वाइन करते हो तो आपको अपनी ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर अंदर आपको यहाँ पे महाराष्ट्र में जो मराठी लैंग्वेज है वो यहाँ पे एग्जामिनेशन देना होगा। इसके हिसाब से ये नया रूल बना था, इसके हिसाब से अगर आपके पास अभी तक मराठी लैंग्वेज नहीं है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ज्वाइनिंग के 2 साल तक का, ज्वाइनिंग के 2 साल बाद तक आपको टाइम दिया जाता है जिसमें कि आप अपना यहाँ पे मराठी का जो है एग्जाम क्रैक कर सकते हो। जिन लोगों के पास टंग लैंग्वेज उनकी मराठी रही है, पहले से मराठी है, उन लोगों को बाद में एग्जाम देने की कंपलसरी नहीं रहता है। तो इसके बाद चल लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो हमने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड की है। इसके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन और करते हैं वन बाय वन सभी के बारे में बात। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मुंबई मेट्रो की वेबसाइट से जो हमने यहाँ पे जो डाउनलोड की है नोटिफिकेशन, उस पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पे आप इनका एड्रेस वगैरह देख सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे पोस्ट की बात की जाए तो इसमें आपको पोस्ट देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको स्टेशन मास्टर की पोस्ट देखने के लिए मिल जाती है जिसमें आपको 18 पोस्ट मिलेगी। स्टेशन कंट्रोलर की है, सेक्शन इंजीनियर की है। सारी की सारी PDF आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप इसको सारी की सारी रीड आउट कर सकते हो। काफी सारी वैकेंसी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी जिसमें आपको 1053 वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। बड़ी बड़ी की वैकेंसीज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको टेक्नीशियन 1, टेक्नीशियन 2 से रिलेटेड मिल जाएगी। यहाँ पे सिविल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, टेक्नीशियन सिविल वाले भी, और सारे सेफ्टी वालों की भी यहाँ, सेफ्टी सुपरवाइजर 1, 2 की भी यहाँ पे मिल जाएगी, सेक्शन इंजीनियर की मिल जाएगी, टेक्नीशियन की मिल जाएगी यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे सारी बात की जाए तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके ये ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 1053 वैकेंसी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। इसमें रिजर्वेशन की बात की जाए तो 30% रिजर्वेशन है वो वोमेंस के लिए रहेगा, 15% रिजर्वेशन है वो यहाँ पे एक्स सर्विस पर्सन के लिए यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद सारी की सारी बात आने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेता हूँ वैकेंसीज की। तो वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हुई है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने पहले नंबर पे लेके आया हूँ मैं स्टेशन मास्टर, स्टेशन मैनेजर की वैकेंसी। स्टेशन मैनेजर में यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। सारी की सारी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ पे सारी की सारी वैकेंसियाँ देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही वैकेंसी बताने वाला हूँ अभी जिनमें आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सबसे पहले यहाँ पे नंबर 2 पे हम बात करें स्टेशन कंट्रोलर की, तो आपका यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी सैलरी मिलने वाली है 38,600 मिलने वाली है। इसमें जो आप अप्लाई कर सकते हो, आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला, ठीक है। आपकी एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है 38 ईयर। उसके साथ में यहाँ पे 120 वैकेंसी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। सारी आपको ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे मुंबई मेट्रो की वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप ये सारी चीज़ें रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद बात की जाए जूनियर इंजीनियर की, जूनियर इंजीनियर में भी यहाँ पे 38,600 आपको पे स्केल मिलने वाला है। इसके बाद में यहाँ पे आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना कंपलसरी है, जो इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात की जाए तो यहाँ पे 38 ईयर रखी गई है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपको 30 देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेन ऑपरेटर की भी बात यहाँ पे आती है। ट्रेन ऑपरेटर में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है टोटल वैकेंसी 12, जिसमें भी मैंने आपको बताया
आपकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन देनी होगी, यहाँ पे आपकी जो डिग्री होगी इलेक्ट्रिकल से या होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक से होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल एज है यहाँ पे, यहाँ भी 38 साल मांगी गई है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे, तो मैं बात करूँगा अगली आती है ट्रैफिक कंट्रोलर की। ट्रैफिक कंट्रोलर में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डिग्री और डिप्लोमा दोनों। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे 38 साल इनके लिए रखी गई है। उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट है जो, तो नेक्स्ट में मैं बात करूंगा यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की। जूनियर इंजीनियर में डिग्री और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी एज लिमिट है वो 38 ईयर्स रखी गई है। उसके बाद आगे बात की जाए तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ सेफ्टी सुपरवाइजर सेकंड की। सेफ्टी सुपरवाइजर सेकंड में भी यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें भी आपकी सैलरी है वो 38,600 रहने वाली है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो डिग्री और डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल से भी, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे 38 ईयर इन्होंने यहाँ पे रखी है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे, तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कुछ वैकेंसीज है जिनमें यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही वैकेंसी बता रहा हूँ जिनमें एक्सपीरियंस नहीं काउंट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपकी टेक्नीशियन सेकेंड की। यहाँ पे आपको 287 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और जो फिटर वगैरह वाले हैं सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ भी 38 ईयर रखी गई है। आप ये ऑफिशियल नोटिस है जो डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो वैकेंसी आई है नेक्स्ट है वो है टेक्नीशियन सिविल में, सिविल सेकंड की। इसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें आपका फिटर वाले भी कर सकते हैं, वेल्डर वाले भी कर सकते हैं, और मैकेनिस्ट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ भी 38 ईयर रखी गई है। उसके बाद आगे बात की जाए तो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी निकल के आती है, वो वैकेंसी है टेक्नीशियन ENM सेकंड की। यहाँ भी आपके ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन वाले सारे हैं, आप ये देख सकते हो। इसमें इसमें भी आपकी एज लिमिट 38 ईयर रखी गई है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 11 आपको देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे हेल्पर की वैकेंसी आ जाती है। यहाँ पे देखिए, ये सारी सारी बिल्डिंग वर्क्स, एमरजेंसी मेंटेनेंस में आ गई है सारी वैकेंसी। यहाँ पे आपकी सैलरी मिलने वाली है 15,000 से लेके आपको 47,600 रुपीज़ तक। क्वालिफिकेशन की बात की जाए हेल्पर में, तो आपको यहाँ पे ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपकी एज लिमिट है जो 38 ईयर तक रखी गई है। उसके बाद बात की जाए तो नेक्स्ट वैकेंसी आपकी निकल के आती है। मैं आपको फिर से बता दूं, मैं वैकेंसी वही बता रहा हूं जो फ्रेशर्स के लिए यहां पे है, बाकी जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी यहां पे वैकेंसीज देख सकते हैं। उसके बाद बात निकल के आती है टेक्नीशियन से रिलेटेड। टेक्नीशियन में यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है 19,900 से लेकर 63,200 तक। इसमें ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन से हों, ये वाले भी देख सकते हैं। इसमें भी एज लिमिट आपकी 38 ईयर रखी गई है। उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकल के आती है, जो कि विदाउट एक्सपीरियंस है, कमर्शियल असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी निकल के आती है। इसमें आपको पे स्केल मिलने वाला है 38,600 से लेके 1,12,800 रुपीज़ तक। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी डिसिप्लिन से हो, वहाँ पे आप सारी डिग्री होल्डर्स अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपकी एज लिमिट 38 ईयर यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद आगे बात की जाए विदाउट एक्सपीरियंस के साथ, तो जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे वैकेंसी निकलती है, जिसमें आपको 38,600 रुपीज़ सैलरी स्टार्टिंग से लेके 1,22,800 रुपीज़ तक की आपकी यहाँ पे सैलरी जाने वाली है। यहाँ पे बात की जाए तो डिग्री और डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, सिविल से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन से आते हैं। यहाँ भी एज लिमिट की बात की जाए 38 ईयर यहाँ पे रखी गई है। बाकी वैकेंसी यहाँ पे निकल के आती है वो सारी की सारी एक्सपीरियंस बेस पे है। बाकी सारी की सारी जो जानकारी लेना चाहते हो दोस्तों, आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो डायरेक्ट डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इसको अप्लाई होने का लिंक स्टार्ट हो गया है, ये एडवर्टाइजमेंट आई थी 9 सितंबर को,
लेकिन इसका लिंक जब से एक्टिवेट नहीं हुआ था इसीलिए मैं इसको आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाया था, लेकिन अभी इसको आप अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो पोस्टों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।